सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ से आपको जो है सब्सक्राइब बटन को डाउनलोड करना है, ठीक है, जो सा आप चाहते हो। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है pixabay.com। आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, कुछ इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ इस तरीके का आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, इसी सर्च बार पे आपको क्लिक करना है और लिखना है यहाँ पे सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब बटन, ठीक है। सब्सक्राइब बटन लिख करके ऑल इमेज पर आपको क्लिक करना है, ठीक। तो जैसे आप ऑल इमेज पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, इस वीडियो पे आपको क्लिक कर लेना है। वीडियो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो बहुत सारा सब्सक्राइब का बटन आ गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जो सभी अच्छा लगे सब्सक्राइब बटन वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला सब्सक्राइब बटन मुझे डाउनलोड करना है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका जो है ये ओपन हो जाएगा, इस पर आपको जो है ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, बाकी इस सब पे किसी पे आपको क्लिक नहीं करना, ठीक। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, अच्छे से ढूंढा था। और उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे उसके बाद दूसरा आपको प्ले काइन मास्टर डाउनलोड करना है, क्योंकि काइन मास्टर से ही ये बटन बनता है, कोई ऐप से अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको प्ले स्टोर में जा करके काइन मास्टर आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मैं आपको काइन मास्टर ओपन करता हूँ। उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे आपका जो है नीचे क्रिएट लिखा है, क्रिएट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बहुत सारा ऑप्शंस आ गया, यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे जो बटन आपने डाउनलोड किया है वो बटन आपका शो करेगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक पहले से डाउनलोड करके रखा है, इसी पर आपको जो है ओपन करना है, ठीक। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये हमारा जो है सब्सक्राइब बटन आ गया है, ठीक है। अब आपको करना क्या, मैं आपको एक बार इसको चला करके दिखा देता हूँ। उस इस तरीके से मेरा सब्सक्राइबर बटन है जो मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो आपको बनाना क्या है, तो सबसे पहले देख सकते हो जैसे यहाँ पे आवाज़ आई है, ठीक है। इसी पे आपको थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं इसको कितने पे छोड़ रहा हूँ, ठीक। जैसे कि मैंने इस पे इतने पे रख लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, ठीक। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार अगर आप अच्छे से भी नहीं बनाओगे, दूसरी बार आप हमें अच्छे से बना लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, ठीक है। आपको इस भी लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ऑल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा समझना है भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो है चैनल की डीपी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जो आपका चैनल की डीपी है। जैसे कि ये मेरा चैनल की डीपी है, ठीक है। इस पे आपको आ जाना है, ये आपकी फ़ोटो आ जाएगी। आपको करना क्या है, इस डीपी को आपको जो है क्रॉप करना है। यहाँ पर आप करके ऐसे स्वाइप इसको करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हो। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोम का क्रॉपिंग का ऑप्शन है, इसी क्रॉपिंग पर क्लिक करना है। क्रॉपिंग पर क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पर इस बटन को अलाउ कर लेना है। जैसे आप इस बटन को अलाउ करेंगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इस चीज़ पे आपको क्रॉप करना है, इसको ऊपर नीचे करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपको इतना आधा स्क्वायर पे रख लेना है, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा चौड़ा, ठीक है। इसको आपको ऐसे रख लेना है और रखने के बाद आपको जो है उसके बाद आपको यहाँ पर शेप पर क्लिक करना है। शेप पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सर्कल वाले पर क्लिक करना है। सर्कल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो आपकी डीपी सर्कल हो गई है। अब आपको इसको इतना छोटा रखना है जितना ये इस बॉक्स में चला जाए, ठीक है। आप देख सकते हो मैं कैसे रख रहा हूँ, इसके छोटा करना है, ठीक है। तो आप चाहे जितना छोटा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है भाई लोग। और मैं इसको थोड़ा सा और किनारे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मेरी डीपी आ गई है। अब आपको करना क्या है, इसी डीपी पे आपको क्लिक कर लेना है, इस लेयर पे क्लिक कर लेना है, ठीक। जैसे आप इस लेयर पे क्लिक करेंगे ऊपर आपका एनिमेशन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई सा आप टच करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका फोटो कैसे चल करके आएगी, ठीक है। तो मैं आपको जो अच्छा लगे वहाँ से आप ये वाला चूज़ कर सकते हो। बाकी मेरा तो अच्छा ये लगता है ये कि मेरा लेफ्ट से है। उसके बाद आपको यहाँ से जो इसको फास्ट करने के लिए, तेज़ करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप इस चीज़ को जितना इधर रखेंगे ये उतना तेज़ आएगा। आप देख सकते हो मेरी डीपी कितनी तेज आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब आपको करना क्या, आपको अपने चैनल का नाम लिखना है। तो आपको अपने चैनल का नाम कैसे लिखना है वो बताता हूँ। आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। और टेक्स्ट पे आते ही आपको यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिखना है, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल फरदीन। और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर लेना है, ठीक। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पर अगर आपको फंड चाहिए तो यहाँ पर आपको ऊपर फंड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रेंड पे क्लिक करना है और एंड्रॉइड पे जाकर के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे मैं तीसरे नंबर पे रोबोट बोल्ट पे आपको क्लिक कर लेना है, जो सा आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को बीच में लाना है कि आपको ये देखना है कि आपकी डीपी और आपका सब्सक्राइबर बटन कितने पे है। उतना ही छोटा आपको ये अपना चैनल का नाम लिखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपको जो है थोड़ा सा और आगे आ जाना है क्योंकि आपको दिखे, आपको इतना छोटा आपको रख लेना है, ठीक है।
आप देख सकते हो कैसे मैं इसको सेट कर रहा हूँ। आपको सिर्फ सेट करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये आपका आ गया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको भी अपने इसी टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक। टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है फिर से एनिमेशन आएगा। आपको इसी एनिमेशन को फिर से ऐड करना है जो सा आपको ठीक लगे। आपको याद रहे जो डीपी पे एनिमेशन लगाया वही इस पर भी आपको एनिमेशन लगा रहिएगा ताकि आपको तभी अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो मैं स्लाइड लेफ्ट किया और इसको तेज़ कर लिया कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने पहले डीपी में किया था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से जो है बैक आ जाता हूँ इस पर क्लिक करके, ठीक है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आप देख सकते हैं कितना अच्छे से आया। अब आपको करना क्या, इस चीज़ पे आपको डीपीएफ आपको अपना क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक। इसको आपको पकड़ के खींच लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप मेरा टच देख रहे होंगे, सर्कल बटन दिख रहा है, आपको इतना रख लेना है, ठीक है। और आपको नीचे इस पर भी क्लिक करना है आपको अपना टेक्निकल नेम पर, ठीक है। इसको भी आपको इतना रखना है जितना आपने डीपी रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हो आपको करना क्या है। अब आपको लास्ट में कैसे ये वापस जाएगा उसका भी आपको एनिमेशन लगाना है। जैसे कि मैंने इस पर अपने डीपी पे फिर से क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद आपको यहाँ पे आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है। आउट मतलब कि जब ख़त्म होने वाली रहे, वापस जाने वाले पे आपको क्या रखना है, इसको आउट आप पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक। आपका ये वापस से राइट पे जाएगा और इसको आपको फुल फास्टर कर लेना है, ठीक। वैसे ही आपको यहाँ पे टेक्निक अपना नाम पे भी क्लिक करना है, आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है राइट पे क्लिक करके जितना आपको तेज़ करना है उतना तेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं कैसे मेरा ये बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ऑन कर लेता हूँ, देख सकते हो भाई कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। अब आपको बता दो कैसे आप अपने वीडियो पे इसको जो है सेव कर सकते हो। ये तो मेरा बन गया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रहे, इसको आपको पूरा खींचना है जितना आप उतना जितना आपको अच्छे क्वालिटी में करेंगे उतना आपका जो है अच्छी क्वालिटी में दिखेगा, आपका ब्लर नहीं होगा। यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना है, सेव वीडियो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे स्किप के क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इस वीडियो अपने वीडियो या किसी भी चीज़ पर आपको ये अपना बटन ये कैसे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा वीडियो कट कर लेता हूँ, देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा वीडियो ले लिया है जो कि मेरी वीडियो 12 सेकेंड्स की है, ठीक है। एक फ़ोटो मैं 12 सेकंड की। अब मैं आपको इस पर कैसे सेट करके दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको लेयर पे आना है, ठीक। लेयर पे आने के बाद आपको मीडिया पे आना है, इस पर क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपने बनाया है वो आपको बटन जो है यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप टच करोगे यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ से आपको जो है ऊपर से कट कर लेना है, जैसे आप कट करेंगे तो ऐसा आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको जो है यहाँ पर काइन मास्टर का लोगो हटाना है। इसके लिए आपको क्रॉप करना होगा, यहाँ पे आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसे आप यहाँ पे नीचे करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्रॉप का ऑप्शन आ गया, ठीक है। मैं आपको एरो से दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पर आपको क्रॉप पे क्लिक करना है और आपको जो है इसको आपको छोटा कर लेना है, ठीक है। आपको छोटा करना है काइन मास्टर का लोगो के नीचे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो है थोड़ा और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको क्रोमा की लिखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमा की लिखा है, इसी पे आपको क्लिक करना है और इस बटन को आपको अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो पूरा ग्रीन पर्दा जो है, जो ग्रीन कलर था बैकग्राउंड वो आपका हट गया है। आपको मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। और भाई चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का ऑप्शन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल। देख सकते हो भाई लोग कितना जबरदस्त है, भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।